देव ज्ञान में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण जी के आपने अनेक कहानियाँ सुनी होगी। आज हम आपके लिए उन्हीं कहानियों में से एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं। एक बार एक महिला फल बेच रही थी। जब वह श्री कृष्ण जी के घर के सामने से गुजर रही थी, तब कृष्ण जी को कुछ फल खाने का मन किया। जब कृष्ण जी ने उस फल बेचने वाली महिला से कुछ फल मांगे, तो उस महिला ने कहा, लाला, फल के बदले कुछ वस्तु ले आओ। बाल कृष्ण ने झट अंदर गए और अपने छोटे छोटे दोनों हाथों से धान भरकर फल वाली के पास ले आए। रास्ते में उनके हाथ से सारा धान नीचे गिर जाता था। नन्हे से कृष्ण की मोहनी सूरत देखकर फल वाली बहुत विभोर हो गई और उसने अपने सारे फल श्री कृष्ण को दे दिए। श्री कृष्ण मन ही मन उस फल वाली से बहुत प्रसन्न हुए। जब वह फल वाली अपनी खाली टोकरी लेकर वहां से चली गई और अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसकी टोकरी सोने और जवाहरात से भरी हुई है। इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि कुछ प्रेम के रिश्तों में लेन देन नहीं होता। यहाँ तो सिर्फ प्रेम होता है और जहाँ अपार प्रेम होता है, वहाँ खुशियाँ और समृद्धि खुद ब खुद दौड़ी चली आ जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये प्यारी और छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।